Hey guys, welcome back to my channel. तो अभी मैं लेके आई हूँ भिंडी और भिंडी काटने जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो साथ साथ कुछ बात कर लेते हैं और भिंडी को ले आई, प्लेट भी ले आई, कटाई खाना भूल गई, मैं अभी लेके आती हूँ। क्या हुआ? मैक्रोनी खानी है, फ्रिज में रखी है, निकाल लो। एक स्पून भी ले आना अपने लिए टब से, ठीक है? सो गाइज, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो भिंडी भी देखते जाती हूँ, नहीं तो कीड़ा वगैरह कहीं निकला तो पता नहीं चलेगा। तो बात करनी थी आप लोगों से, मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। जिग्गी की बर्थडे पे ना मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे बाहर कहीं भी एक छोटी सी पार्टी अरेंज करी थी। पार्टी क्या, मतलब डिनर एक तरीके से था। और तो फ्रेंड्स, बीच में पॉज लग गया था क्योंकि जिग्गी को वॉशरूम जाना था तो उसके साथ जाना पड़ता है। और हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि मैंने सोचा बाहर डिनर अरेंज कर लेते हैं तो इससे क्या है ना कि मेरी तबीयत भी ख़राब है तो मतलब कोई बर्डन नहीं होगा और ज़्यादा लोगों को बुलाना भी नहीं था क्योंकि हर बार आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी ये है कि गर्मियों के दिन हैं, गर्मी में क्या होता है ना कि मतलब अगर घर छोटा है और ज़्यादा लोगों को बुला लो तो फिर दिक्कत आती है कि कैसे बैठेंगे, सब परेशान रहेंगे। लास्ट टाइम यही हुआ था, लाइट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार लाइट का आना जाना। और तो बस ये सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के मैंने सोचा जो हमेशा हो पाएगा मुझसे मैं वो कर लेती हूँ। तो ऐसे करते हैं, तो बच्चों को ध्यान में रख के कि जहाँ पे छोटे बच्चे हैं उनको बुला लेते हैं, जिग्गी का भी अच्छा हो जाएगा और वो सारे बच्चे आपस में इसी बहाने से मिलते जुलते हैं। तो डिनर अरेंज करने में हुआ ये कि एक रेस्टोरेंट में बात करके आए जो कि हम ऑलरेडी जानते थे कि वहाँ का खाना अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली है बट खाना अच्छा है उनका। तो मेरे हिसाब से थोड़ा कॉस्टली था, बाकी वैसे कॉस्टली नहीं है। तो गए वहाँ पे बात करने, तो वहाँ पे सारी बातें ओके हो गई हमारी। और उसके बाद टोकन अमाउंट नहीं दिया था, हमने सोचा कि दो दिन पहले आ करके दे देंगे, ठीक है वो हो गया। और उसके बाद दो दिन पहले यानी कि 20th को जीजी का बर्थडे होता है और 18th को मैं गई, मैंने वहाँ पे टोकन अमाउंट भी दिया और जा करके फिर मैं केक का ऑर्डर देके आई। लखनऊ में जो रहते हैं जानते ही होंगे गुड बेकरी के बारे में, तो मैं गुड बेकरी निशातगंज पे केक का ऑर्डर देके आई। सिर्फ इसलिए देके आई वहाँ पे क्योंकि मेरे पास मैं चाहती तो केक का ऑर्डर मैं कहीं और भी दे सकती थी। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे केक बहुत अच्छा बनता है और लास्ट टाइम मैंने एक होममेकर को दिया था, वो भी केक बहुत अच्छा बनाती हैं, बट जैसे कि मैंने बताया लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट ईयर तो उस वजह से केक हमारा सेट नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी बता रहे ना सबको क्या हुआ था हमारे केक के साथ, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी जगह पे देते हैं जहाँ पे ऐसा कोई इशू ना हो क्योंकि बर्थडे की बात है और लास्ट टाइम बहुत लेट हो गया था केक कट होने में। वजह से हम गए गुड बेकरी में और हमने ऑर्डर दिया। फिर ऑर्डर देने के बाद क्या होता है कि वहाँ भी एडवांस में जो पेमेंट 50% पेमेंट दे दी हमने, अब उन्होंने मेरा कोई भी मोबाइल नंबर हमारा नहीं लिया कॉन्टैक्ट नंबर। और 4 से 5 बजे का टाइम दिया था हमने कि हम उस टाइम पे लेने आ जाएंगे केक। तो केक लेने की बारी आई तो 7 बजे मुकुल को भेजा, मुकुल गया हमारा लेने केक, तो वो ना स्लिप देख के कहते हैं कि ये केक तो डिलीवर कर दिया। उसने कहा भाई किसको डिलीवर कर दिया, जब हम लेने ही नहीं आए तो आपने किसको डिलीवर कर दिया। फिर बोलते हैं कि ये तो जा चुका है केक, तो उन्होंने कहा अब तो हमने बताया कि भाई केक तुम लेने गए। अब वहाँ पे फिर उन्होंने किसी और को हमारा केक डिलीवर कर दिया, किसी और को केक डिलीवर कर दिया और उनका थीम वाला था, कोई कार थीम का केक था और वो रखा हुआ था। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लगा कि वो लोगों ने झूठ बोला, उन्होंने कोई केक या तो वो केक बनाना भूल गए, क्योंकि कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा वो 4-5 बजे के टाइम में केक लेके चला गया और उसने रात में मतलब 8-9 बजे तक वापस से बेकरी पे कॉन्टैक्ट ही नहीं किया या वापस से आया नहीं, उन्होंने उसका भी नंबर नहीं लिया था, ठीक है। अब एक तो चलिए केक हमारा किसी और को दे दिया वो अलग बात है, फिर वो हंस के बता रहे हैं कितनी शर्म की बात है कि इतने बड़े बेकरी पे इस तरीके का बिहेवियर मतलब देखने को मिला हमें, कि वो हंस के बता रहे हैं अरे ये तो ऐसे हो गया। तो कह रहे हैं कि आप कोई और केक ले लो। कैसे ले लेते, बच्ची हमारी मतलब उसकी ड्रेस हमने उस थीम से रखी है, हम 2 दिन पहले ऑर्डर दे के गए हैं और हमने डेकोरेशन यूनिकॉर्न की करा दी थी, अब कैसे मैं दूसरी थीम का केक ले लूँ पहली बार, और एडवांस भी दे रखा था हमने, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हमें टाइम दीजिए आप 1.5 घंटे का और हम आपको फ्रेश बना के देते हैं। तो ये हुआ कि वो फ्रेश कितना भी आप बना दोगे फिर भी वो सेट नहीं हो पाएगा और हम कितनी देर अपने गेस्ट को वेट कराएंगे। इस चक्कर में क्या हुआ कि मैं 7 बजे रेडी होके रेस्टोरेंट पहुँचने वाली थी और मैं वहाँ नहीं पहुँची क्योंकि केक का दिमाग में इतना ज़्यादा घूमने लगा कि लोग केक के साथ क्या हो गया, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, इस बार भी यही हुआ
और इवन उसकी बर्थडे पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। फर्स्ट टाइम कोविड चल रहा था तो हमने घर पे ही सेलिब्रेट किया था, बट वो फिर भी बहुत अच्छा था क्योंकि कोई ऐसा केक वाला चक्कर नहीं था, इशू नहीं हुआ था। हमने जहाँ से केक ऑर्डर किया था उन्होंने भी बहुत अच्छे से केक बना के हमें दिया। और हमने हाँ ये प्रॉब्लम हुई थी कि मैं इतना अच्छा केक बेक करती हूँ, उसके बावजूद मैंने इसका जो मिडनाइट केक कटिंग के लिए खुद से बेक किया था केक, वो उतना अच्छा बन ही नहीं पाया, जबकि मैंने न जाने कितने केक जो है बेक किए हैं और वो बहुत अच्छे बनते हैं। उस दिन क्या हुआ, तो ये फर्स्ट बर्थडे में गड़बड़ हुई। सेकंड बर्थडे का तो मतलब जैसे कि मैंने शेयर किया कि 8 जून को इसके पापा का जाना और फिर 20 जून को बर्थडे, तो सेकंड बर्थडे तो वैसे भी मतलब ऐसे ही चला गया उसका। फिर थर्ड हमने इसीलिए अच्छे से थोड़ा सेलिब्रेट किया था, उससे जस्ट पहले इसका मुंडन भी हुआ था, तो मुंडन में ज़्यादा कुछ किया नहीं था, तो ये था चलो बर्थडे में सभी को बुला करके और घर पे ही जो खास खास है उनको बुला करके अच्छे से डिनर वगैरह और पार्टी कर लेते। महिमा और कक्कू भी गए मुगल के साथ वहाँ पे बात करने, तो वो बहुत बदतमीजी से बात करने लगे, उन्हें लगा उनके कस्टमर हैं और उनके सामने ये लोग ऐसे मतलब उनसे बात कर रहे हैं कि आपने ऐसे कैसे कर दिया और इतनी बड़ी बेकरी है आपकी, और मतलब होता है ना वो चिड़न में फिर बहुत बदतमीजी से बात करने लगे। तो हर कस्टमर को होता है कि मैं किसी भरोसे के साथ वहाँ पे गई और मैंने ऑर्डर दिया, तो वो मतलब उस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दे रहे थे, उन्हें लग रहा था कि हमारी गरज है, जैसे कि वो फ्री में केक दे रहे होंगे। तो फिर बोला महिमा ने कि मतलब आप फिर कुछ पैसे ही कम करिए, हमें तो उस तरीके का केक नहीं मिला। और जो उन्होंने 1.5 केजी का केक हमें दिया था वो हमें कहीं से भी 1.5 केजी का केक नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था उनके पास ऑलरेडी मतलब जो फ्लेवर हमने बताया था वो बेक्ड रखा हुआ था, उस पर क्रीम वगैरह लगा दी है और वो 1 केजी से ज़्यादा केक नहीं था। खैर अब वो हमारी मजबूरी थी कि हमें लेना पड़ा। अब मैं आपको पिक्चर लगा दूँ यहाँ पे जो मैंने ओरिजिनल उनको डिज़ाइन दी थी और जो वो उन्होंने हमें डिलीवर किया, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था, उन्होंने तो हमें 1 घंटे में केक बना के दिया और वो इतना बेकार सा केक हुआ। फ्लेवर हमेशा वो अच्छा रहता है, वो बेकरी से मुझे कोई शिकायत नहीं थी कभी, तभी मैंने वहाँ जा करके अपना ऑर्डर प्लेस किया। बट हुआ क्या कि वो केक भी सेट नहीं हो पाया और ऐसे ही काटते से पूरा केक बिखर गया, सबने बिखरा हुआ केक खाया, मतलब वो उसके पीसेस ही नहीं आ रहे थे। अब जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि शुरुआत ही गलत हो गई। रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस किया था वहाँ जब नेक्स्ट डे जाते हैं 18 को हमने टोकन अमाउंट दे दिया, खैर इतना तो अच्छा था कि बच्चे हैं बच्चों को नहीं पता, खैर ये सब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ठीक है। फिर रेस्टोरेंट की बात आपको बताते हैं, रेस्टोरेंट से मुझे ऐसा सच कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उनका खाना बहुत अच्छा था, उन्होंने डेकोरेशन बहुत अच्छी थी और हमारे अकॉर्डिंग था सब कुछ। बट थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वहाँ पे दो लोग बैठते हैं यानी कि दो भाई होंगे वो बैठते होंगे, और जब हम गए वहाँ पे नेक्स्ट डे डेकोरेशन के लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा सामान यूनिकॉर्न वगैरह का देना था हमारे पास जो रखा हुआ था ऑलरेडी, तो हमने सोचा दे देते हैं, बाकी चीज़ें बलून्स वगैरह वो खुद लगा रहे थे। तो जब देने गए तो पता चलता है वहाँ तो 20 के लिए एक और पार्टी बुक है, तो हमने कहा भाई हम तो पहले से आकर के टोकन अमाउंट दे गए हैं। तो वो जो भाई दूसरे भाई थे जो उस दिन मिले वो बोले कि नहीं मैम आपकी बुकिंग मतलब हमने तो करी नहीं है और ये कैसे हो गया, एक दिन में 2 बुकिंग तो हम लेंगे नहीं। तो हमने कहा फिर आप अपने मतलब भाई से पूछिए जिसने टोकन अमाउंट भी ले रखा है और क्या कहते हैं हमसे डेकोरेशन की भी बात हुई है और ये हमें देने आना था आज सामान और हम देने आए हैं। और फिर मेन्यू भी हमारा कुछ डिस्कस हुआ था तो वो उस पर भी बदल गए और फिर वो ये भी कहने लगे कि हमारी एक और पार्टी बुक है। फिर जाकर के उनके दोनों की फिर बातचीत आपस में उन्होंने क्या की क्या नहीं की, फिर हमने कहा कि हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ऐसे करते हैं तो आप फिर टोकन अमाउंट वापस करिए। मतलब एक टाइम पे तो ये हो गया कि भैया आप हमारा टोकन अमाउंट वापस कर दो और हम घर में ही पार्टी कर लेंगे या फिर हम किसी और बड़े किसी और रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। हमारे इतने भी पर्सन नहीं थे कि हम कहीं डायरेक्ट जाएं 15-20 लोग और हमें सीट ना मिले, कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में एक जनरल सी बात है, कोई बड़े से रेस्टोरेंट में आप जाएंगे आपको 15-20 लोग नॉर्मली भी जाते हैं डिनर करने और आराम से उनको डिनर करने को मिल जाता है, ऐसे कोई सीट बुक करने का नहीं होता है। तो वो कहने लगे, फिर उनको रियलाइज़ हुआ दोनों भाइयों ने जो भी बात करी होगी, खैर उन्होंने उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है आप आइए आपकी पार्टी डन है क्योंकि आपसे पहले से बुकिंग है, हम दूसरी पार्टी को मना कर देते हैं, उनका कुछ आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपका बर्थडे का है तो बर्थडे आगे पीछे नहीं हो सकता है। ठीक है फिर ये हुआ और फिर जो केक की वजह से जो हम लोग लेट पहुँचे वहाँ पे, जो हमें 7:30 वहाँ पहुँच जाना था, फिर पहले थोड़ा फोटो खत्म होता, वीडियोज़ बनाते, रील्स बनाते, ब्लॉग वगैरह शूट करते, मतलब वो सब कुछ भी नहीं हो पाया। आप ब्लॉग देखा होगा अगर आपने बर्थडे का तो आपको मतलब पता ही चल रहा होगा कि कितना जल्दबाजी में वो सब भागते वो होता ना भागते भूते 2 वीडियोज़ निकल गए, बस उन्हीं का ब्लॉग बना दिया क्योंकि अपनी मेमोरीज भी रखनी है यार, चलो ठीक है जैसे भी था। तो फाइनली कुछ इस तरीके से मतलब
बर्थडे सेलिब्रेट हो पाया। खैर छोटे बच्चे थे, इन्होंने बहुत इन्जॉय किया, बट हमारे साथ जैसे सब सुबह ऑफिस जाने वाले लोग थे तो सबको घर जाने में वापस 12 बज गया, तो वो बहुत लेट हो गया। ऐसे हम लोग 10 या 10:30 तक फ्री हो जाते डिनर विनर करके और आराम से सब अपने घर 10:30-11 तक पहुँच जाते, तब अलग बात होती। और क्योंकि वहाँ पे गेस्ट पहले पहुँच गए और हम केक की टेंशन में, मतलब तैयार होने के बावजूद घर से नहीं निकले, क्योंकि फिर मैं 9:30 पहुँची रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट में भी ऐसा था, बट रेस्टोरेंट में अगर दोनों पार्टी भी हो जाती तो शोर शराबा थोड़ा ज़्यादा हो जाता, एंजॉय नहीं कर पाते। स्पेस तो इतनी थी कि उनके भी उतने मेंबर होते तो काम हो जाता, बट यार बेकरी से मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली और सोचा नहीं था गुड बेकरी वाले ऐसा करेंगे, नाम नहीं लेना चाहती थी, बट कभी हुआ ही नहीं वहाँ से, मतलब वहाँ का खाना, वहाँ की चीज़ें सब इतनी अच्छी हैं, वहाँ का कभी ऐसे सुना नहीं। बट अब ये कैसे किया उन्होंने, जानबूझ के हुआ या क्योंकि उनके बिहेवियर से, क्या आप ऐसे बात कैसे कर सकते हैं, मैं आपको आपकी चीज़ दे तो रहा हूँ, भाई कहाँ हमारी चीज़ दे रहे हो, हमारा केक सेट होता कम से कम 4-5 घंटे पहले बन गया होता तो हमें वो मिलता सामान, तो वो खाने में, और जो एकदम जो सेट ही नहीं हुआ है उसको वो टूटा फूटा एकदम चूरमे जैसा हो रहा था केक, मतलब आप उसको पीस करो तो वो एकदम बिखर जा रहा था ऐसा। तो ये सब चीज़ें हैं, अब इन सब चीज़ों को पहले से कैसे कंफर्म किया जाए, बहुत स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए। मैं तो नेक्स्ट टाइम कहीं भी ऑर्डर दूंगी और मतलब साफ तौर पे बोल दूंगी मुझे मॉर्निंग में केक दे दो भाई, मैं अपने फ्रिज में रख लूँगी लेकिन मैं शाम का वेट भी नहीं करूँगी, खासकर जब कोई थीम है। और ये हर बार कुछ ना कुछ अपनी डिमांड बता देती, लास्ट ईयर इसको पांडा चाहिए था तो पांडा केक बनाया था हमने, और इस बार इसको पता नहीं कैसे यूनिकॉर्न का, बच्चे हैं देखते हैं रहते हैं ना फोन में, तो मतलब ठीक है उसी प्राइस में वो बन जाता है, उसी प्राइस में वो बन जाता है तो हम करा लेते हैं। कुछ ये बता रही है गाइस आप, जो यूनिकॉर्न बनाया था आप लोगों ने केक अगर ब्लॉग में देखा है जैसे, तो वो मतलब यूनिकॉर्न कहीं से लग ही नहीं रहा था, वो लग रहा था वो टेडी बना के मोटा सा ऐसे गुड्डे जैसा बना के बस बिठा दिया गया, क्योंकि वो एक घंटे में जो बनाया जाएगा और पूरे 24 घंटे लेकर के जो बनाया जाएगा उसमें बहुत फ़र्क होता है, तो ये प्रॉब्लम थी। और उन्होंने 1 रुपए भी उसमें डिस्काउंट नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं मैम हमसे ये हो गया है तो आप लीजिए, आपके 100 रुपए छोड़ देते हैं या 200 रुपए छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने पूरे अपने पैसे लिए। और बदतमीजी से अलग बात करी, जो उन्होंने बदतमीजी से बात करी वो बहुत गलत था, वो नहीं करना चाहिए था उन्हें। एनी वेज चलिए आप लोग भी ध्यान रखें इन सब बातों का, बहुत कायदे से कंफर्म कर लीजिए अगर मेरी तरह न्यू है, और इस तरीके से कहीं भी छोटी मोटी पार्टी हो या बड़ी हो, मतलब हमारा तो वो दिन स्पॉइल कर ही देते हैं। एट लास्ट वहाँ का डिनर वगैरह काफ़ी टेस्टी था तो इसलिए मतलब संभल गया मामला और सबने खाना वाना अच्छे से खाया, तो बस ये हो गया कि चलो ठीक है थोड़ा लेट हो गया वो अलग मामला है। एनीवेज यही बस शेयर करना था गाइस, देखिए आपसे बात करते करते भिंडी भी काट ली है और जिक्की खा रही है मैक्रोनी जो है दद्दा ने बनाई है, मुकुल ने बनाई है, क्योंकि अब बुआ गई हल्द्वानी और कहाँ गई है किसके घर, नहीं किसके घर, स्वास्तिक दद्दा के घर गई है बुआ, थोड़े दिन बाद आएगी। और चलिए गाइस फिर हम भी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और जो मैं बर्थडे वाले दिन एक व्लॉग शेयर करने वाली थी मेमोरीज वाला, वो भी मैं जल्दी शेयर कर दूंगी, आधा ही वो एडिट हो पाया था और बाकी सारा इतना बिजी हो गए कि मतलब हो ही नहीं पाया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।